हेलो दोस्तों, आज हम QGIS पे सिम्बोलॉजी और लेबलिंग के बारे में कुछ सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले QGIS की स्टार्ट करें। सबसे पहले अपनी फाइल को हम यहाँ लाते हैं, तो आप अपनी फाइल को ड्रैग कर सकते हैं और लेयर पे जाके ऐड लेयर करके भी ला सकते हैं। अभी मेरे यहीं पे है ब्राउज़र पे, तो मैं उसे ट्रैक करके आया था। तो ये रहा हमारा सेव फाइल इंडियन स्टेट्स के। आज हम इसे कलरिंग करेंगे और इसे लेबल करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है वो हम देखेंगे। पहले मैं रिमाइंड करा दूं कि हर सेव फाइल की एट्रीब्यूट होती है, तो एट्रीब्यूट चेक करें एक बार। ओपन एट्रीब्यूट टेबल है यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करें तो एट्रीब्यूट्स दिखा रहा है। यहाँ पे स्टेट्स की नेम है और स्टेट्स की कोड है। तो किस बेसिस पे नेमिंग करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहले हम एक कलर, जैसे आप देख सकते हैं अभी सभी स्टेट्स की एक ही कलर है, तो हर स्टेट्स की अलग अलग कलर हो, डिस्टिंक्ट कलर हो, तो वो कैसे करें। उसके लिए लेयर पैनल पे जाके उस लेयर पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करें, और आप सीधे डबल क्लिक भी कर सकते हो। यहाँ पे एक सिम्बोलॉजी टैब है, सिम्बोलॉजी पर जाए और जहाँ पे सिंगल सिंबल है, सिंगल सिंबल मतलब एक ही सिंबल, जैसे अभी है वो एक, सिर्फ एक ही है, तो सिंगल सिंबल नहीं, हम कैटेगोराइज करेंगे। कैटेगोराइज क्यों? क्योंकि एक कैटेगोरी के बेसिस पर, कोई कैटेगोरी हो जैसे कि स्टेट्स की नेम की कैटेगोरी पर हम कलरिंग करेंगे। तो यहाँ कॉलम पे जो है, यहाँ क्लिक करें और ये एट्रीब्यूट से आया हुआ है, तो हमें नेम के बेसिस पर, स्टेट्स के नेम के बेसिस पर कलरिंग करना है। तो नेम सेलेक्ट करते हैं और नीचे जाके क्लासिफाई पे क्लिक करें। तो ये देखिए कि आप हर स्टेट और उसके आगे कलर कम्बिनेशन आ गया है। चलो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करें, ओके करें, तो ये रहा हमारा कलरफुल मैप। अब यहाँ देख सकते हैं कोई कलर रिपीटेशन है, अगर आप चाहो तो कलर चेंज करना चाहे तो फिर से डबल क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाए और यहाँ पे इस कलर बॉक्स पे डबल क्लिक करें, तो आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपना पसंद का कलर। चलो येलो लेते हैं, ऐसे ओके कर दिया और ओके कर दिया। जैसे कि रिपीटेड कलर है, जैसे अब कि मुझे कोई और दूसरा कलर चाहिए, तो मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये वाला। चलो, और आप कितना बोल्ड, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे हो, जैसे अट्रैक्टिव दिखे मैप, जिस तरह से अट्रैक्टिव जैसे दिखे वही कलर आप चूज कर सकते हो। ओके करें, और भी स्टेट्स को आप अपने मन पसंदीदा कलर दे सकते हो, तो ओके क्लिक करें तो ये चेंजेस दिख जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये कलर तो हमने दे दिया है, मगर नेम्स भी, अब हर एक स्टेट्स की नेम होते हैं, तो वो कैसे देते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टीज पे जाए, डबल क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे जाए और लेबल्स है, और अभी फिलहाल नो लेबल्स है। नो लेबल्स मतलब कोई लेबल देना ही नहीं, तो ये चेंज करना है। हम लोग सिंगल लेबल्स पे जाएंगे, एक लेबल देंगे। किसके साथ लेबल देंगे, तो हम स्टेट्स के नाम देने वाले हैं, तो यहाँ पे जाके स्टेट के नाम एट्रीब्यूट टेबल पर नाम कॉलम पे है, तो हम नाम सेलेक्ट करेंगे। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो टेक्स्ट के फॉन्ट क्या है, तो आप फॉन्ट यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो अपने पसंदीदा फॉन्ट। और स्टाइल पे क्या रेगुलर रखना है या बोल्ड रखना है, तो साइज कितना रखना है, आप 10 से ज़्यादा रख सकते हो, कम रख सकते हो, ये सब फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं, अपने अपने पसंदीदा आप रख सकते हो। तो अभी उसके बाद अप्लाई करें और ओके। तो ये रहा हमारा मैप और कलर्स, उसके साथ साथ स्टेट्स के नेम भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप हर एक सेव फाइल में
इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट टेबल्स पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आप कलरिंग कर सकते हो, सिम्बोलॉजी को चेंज कर सकते हो और लेबल कर सकते हो। फिलहाल ये सिंगल लेबलिंग है और बाकी दूसरी वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।